गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। जैसा कि सेकेंड पेपर में आप लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करना था, शायद नए चैप्टर में हमने थोड़ा बहुत तत्वों के आवर्ती पदों के गुणक पढ़ाया। सेकेंड पेपर में आपका बोरॉन फैमिली था ना, बोरॉन फैमिली पूरा निपट गया था, कंप्लीट हो गया था। पांचवा लेसन था, आज छठवा लेसन, आज सेकेंड पेपर शुरू होना है। देखें क्लास 11 चैप्टर में कार्बन परिवार के तत्व, कार्बन परिवार के तत्व। सेकेंड पेपर कार्बन परिवार के तत्व, चैप्टर सिक्स है जिसका नाम है कार्बन परिवार के तत्व। चलो लिखो पहली हेडिंग सेकंड पेपर में। फर्स्ट हेडिंग है कार्बन परिवार के तत्वों की, कार्बन परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी स्थान की विवेचना कीजिए, स्थान की विवेचना कीजिए। कार्बन परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए, या इसी में किसी भी कार्बन परिवार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फोर्थ ए वर्ग है, इसी को कह सकते हैं, या फोर्थ ए वर्ग के तत्वों की आवर्त सारणी स्थान की विवेचना कीजिए। ठीक है, लिखिए आंसर लिखिए। आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में पी ब्लॉक तत्वों के, आवर्त सारणी में पी ब्लॉक तत्वों के वर्ग में पांच तत्व हैं, वर्ग में पांच तत्व हैं। नाम लिख लो पांचों के, कार्बन सी कॉमा सिलिकॉन चौदह कॉमा जीई जर्मेनियम बत्तीस SN50 PB lead 82 ये तत्व कार्बन परिवार के तत्व कहलाते हैं, ये तत्व कार्बन परिवार के तत्व कहलाते हैं, ये तत्व कार्बन परिवार के तत्व कहलाते हैं। कार्बन परिवार के तत्वों की बाहकोश का विन्यास NS2, NP2 होता है, NS2, NP2 होता है, NP2 होता है। इन तत्वों के बाहकोश में, इन तत्वों के बाहकोश में समानता होने के कारण,
जिन तत्वों के बाह्य कोश में समानता होने के कारण इनको आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में रखा गया है। इनको आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में रखा गया है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। इनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। क्योंकि परमाणु त्रिज्याएं और परमाणु द्रव्यमान क्रम से बढ़ते हैं। किसका करना है? कार्बन 6, सिलिकॉन 14, जर्मेनियम 32, टिन 50, पीजी लेड 82। इन सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। सबके लास्ट में देखना सबकी वैलेंसी 4 होती है, सोलह कार्बन परिवार की। सबके लास्ट में H2 और P2 आएगा, 1H2, 2H2, 2P2, 2, 2, 4, 2, 6, 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P2, 2, 2, 4, 4, 12, 18, 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 3G10, 4H2, 4P2, 2, 2, 4, 4, 12, 18, 28, 29, 30, 32, 32। इसी तरह हम कर लेंगे, नोट कर लीजिए। पहला होगा नोट हो जाए, फिर अगली एडिंग डालना है। नोट कर लिया, सबके लास्ट में 2 आएगा। नेक्स्ट एडिंग डालना है कार्बन परिवार के तत्वों के समान लक्षण। कार्बन परिवार के तत्वों के समान लक्षण पहली हेडिंग डालो संयोजकता। फर्स्ट हेडिंग संयोजकता यानी बैलेंसी, संयोजकता। देखिए, कार्बन परिवार के सभी सदस्य चतुसंयोजक होते हैं। ये सभी तत्व 4 सहसंयोजक बंध बनाकर अष्टक संरचना प्राप्त कर लेते हैं।
प्राप्त कर लेते हैं, अष्टक संरचना प्राप्त कर लेते हैं। एसएनटेन और पीवी लेड वैसी एसएनटेन और लेड पीवी एसएनटेन और लेड पीवी और लेड पीवी दुई संयोजक यौगिक होते हैं, दुई संयोजक यौगिक होते हैं, दुई संयोजक यौगिक होते हैं। अतः कार्बन परिवार की सामान्य संयोजकता चार होती है। दूसरी अड़चन आपसीकरण अवस्था। सेकंड एंगल आपसीकरण अवस्था। लिखिए वर्ग के सभी तत्व प्लस चार आपसीकरण अवस्था। वर्ग के सभी तत्व प्लस चार आपसीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जर्मेनियम एसएनटेन पीवी लेड जर्मेनियम जेडी स्टिन एसएन लेड पीवी ये तत्वों की प्लस दो आपसीकरण अवस्था भी होती है। इन तत्वों की प्लस दो आपसीकरण अवस्था भी होती है तीसरी है आयनन विभव। ये सब सामान्य लक्षण है कार्बन परिवार के। तीसरी एडिंग डालो आयनन विभव। लिखिए वर्ग में कार्बन का आयनन विभव उच्चतम होता है। वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इनके आयनन विभव धीरे धीरे घटते हैं। इनके आयनन विभव धीरे धीरे घटते हैं। तत्व कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, लेड है। इनके आयनन विभव कार्बन के 11.26, 9.25, 7.56, 6.95, 6.0 यानी इनके आयनन विभव धीरे धीरे घटते चले जा रहे हैं। जल्दी से नोट कर लो। हो गया नोट हो गया। तो चौथी हेडिंग है नंबर 4 विद्युत ऋणात्मकता। लिखिए देखो कार्बन परिवार के तत्वों को वर्ग में नीचे की ओर जाने पर आयनन
विद्युत ऋणात्मकता पहले घटती है, विद्युत ऋणात्मकता पहले घटती है फिर लगभग स्थिर हो जाती है, पहले घटती है फिर लगभग स्थिर हो जाती है। नकल विद्युत ऋणात्मकता 3.26, 2.56, 2.11, 1.96, 1.95, यानी पहले तो ज्यादा डिफरेंट होता है, धीरे धीरे डिफरेंट कम होता है, लास्ट में स्थिर हो जाता है। नोट कर लीजिए जल्दी से। अगली हेडिंग पांचवी नोट हो गई हो, देखो द्विबंध और त्रिबंध बनाने की प्रवृत्ति, द्विबंध और त्रिबंध बनाने की प्रवृत्ति, द्विबंध और त्रिबंध बनाने की प्रवृत्ति, बनाने की प्रवृत्ति, द्विबंध और त्रिबंध बनाने की प्रवृत्ति। लिखिए कार्बन परमाणु एक दूसरे से, कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल बंध कौमा द्विबंध और त्रिबंध बनाता है, एक दूसरे से एकल बंध द्विबंध और त्रिबंध बनाता है, और त्रिबंध बनाता है, त्रिबंध बनाता है, त्रिबंध बनाता है। देख लो जैसे कौन, जैसे एथेन सूत्र होता है C2H6 कॉमा एथेन CH2CH2 एथेन कॉमा एसिटिलीन CH111CH, नाम लिख लेना, ये एसिटिलीन है, एथिलीन है, ये एथेन, कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है नोट कर लीजिए। पांच बहुत है फिर आप लोगों को याद करने की दिक्कत, कार्बन फैमिली पांच याद कर लो, इसके कल की वीडियो में आगे आपको कार्बन की ग्रेफाइट हीरा सबके बारे में पढ़ाएंगे, जहां ना समझ में आया कमेंट करके पूछ ले, सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हो।